टाइम ट्रेवल, यह टॉपिक उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है जो कि मिस्ट्रियस थिंग्स, फैक्ट्स को जानने में इंटरेस्टेड होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो YouTube पर सिर्फ एंटरटेनमेंट, फन और गेमिंग के वीडियोस देखता है तो उसे यह टॉपिक उतना इंटरेस्टेड नहीं लगेगा। पिछले पार्ट्स में हम टाइम ट्रेवल को समझने से पहले समय को समझते आ रहे थे, क्योंकि अगर हम समय को बहुत अच्छे से समझ नहीं पाते हैं तो हम टाइम ट्रेवल को बहुत हद तक समझ नहीं पाएंगे। तो आज मैं आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी एक ऐसी घटना के बारे में बताऊँगा जो कि बहुत ज़्यादा मिस्ट्रियस भी है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग भी है। और इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप मुझे यह भी बताइएगा कि क्या आपको इससे पहले तक ये स्टोरी पता थी या फिर नहीं। यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा और अमेजिंग होगा, और इस वीडियो में आपको टाइम ट्रेवल से जुड़े एक बहुत ही अमेजिंग इंसिडेंट के बारे में जानने मिलेगा जिसके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। समय समय पर ऐसे कई लोग आते हैं जो समय यात्रा करने का दावा करते हैं, लेकिन जो समय यात्रा करने का दावा करते हैं उन पर लोग ज़्यादा विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके पास इस समय यात्रा को सच साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको जिस स्टोरी के बारे में बताऊंगा उसके ऐसे कई सबूत हैं जो उस घटना को सही साबित करते हैं। सो गाइस, इस टाइम ट्रेवल की स्टोरी में हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रोडोल्फ फिंच। तो इस समय यात्रा की कहानी की शुरुआत होती है न्यूयॉर्क में 1951 के जून महीने की एक रात से। उस रात लगभग 11:15 बजे के करीबन न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर एक व्यक्ति अचानक से आ जाता है, और वह व्यक्ति इतने रहस्यमय तरीके से वहाँ आता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह कहीं से टेलीपोर्ट करके वहाँ आ गया हो। वह व्यक्ति अचानक बीच चौराहे पर ऐसे आया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस व्यक्ति ने बहुत ही ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए थे और उस व्यक्ति के हाव भाव से भी ऐसा नहीं लग रहा था कि जैसे उसे खुद वहाँ समझ नहीं आ रहा हो कि वह वहाँ कैसे पहुँच गया। वह व्यक्ति जिस चौराहे पर आया वहाँ की रोशनी और वहाँ खड़ी गाड़ियों को हैरानी से देख रहा था। वहाँ खड़े लोग भी उसे उतनी हैरानी से देख रहे थे क्योंकि उस समय के लोगों के लिए यह बहुत ही रहस्यमय और डरावनी बात थी, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति उनके सामने अचानक से प्रकट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वे लोग डर ही जाएंगे। अरे उन्हें तो छोड़ो, अगर आपके ही सामने कोई व्यक्ति अचानक से आ जाए तो आप इस सोच में पड़ जाएंगे कि यह कैसे हुआ। तो उस समय के लोगों के लिए तो यह तो बहुत ही हैरानी वाली बात होगी, है ना। और कोई भी व्यक्ति ने उसे बीच सड़क पर जाते हुए नहीं देखा था, इसका मतलब वो अचानक से ही वहाँ पर आया होगा। जैसे ही वह व्यक्ति बीच चौराहे से सड़क के किनारे आने के लिए आगे बढ़ा तो उसकी टक्कर एक कार से हो गई और उस एक्सीडेंट में वह बुरी तरह से घायल हो गया और उसकी कुछ समय बाद ही मौत हो गई। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर उस व्यक्ति की मौत हो गई थी तो यह किस्सा तो वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन गाइस ऐसा नहीं था क्योंकि वह व्यक्ति वहाँ पर अचानक से आया था इसलिए सब लोग उसे देखकर डरे हुए थे। इसलिए उस व्यक्ति की तलाशी ली गई और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से हैरान कर देने वाली चीज़ें मिली। उसके पास से 5 सेंट मिले। तो आप सोचेंगे कि यह सेंट क्या होता है। तो गाइस जैसे कि भारत में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं वैसे ही वहाँ पर 1 डॉलर में 100 सेंट्स होते हैं। तो उसके पास से 5 सेंट का एक बियर टोकन निकला और घोड़ा गाड़ी की सफाई करने का एक बिल जिस पर एड्रेस लिखा था लिवरी स्टेबल लेक्सिंगटन एवेन्यू। और हैरान कर देने वाली बात तो यह थी कि 1951 की एड्रेस बुक में ऐसा कोई भी एड्रेस मौजूद था ही नहीं। और उसके पास से लगभग $70 की पुरानी करेंसी के नोट और कुछ पुराने सिक्के भी मिले, और इसके अलावा एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर लिखा था डॉक्टर रोडोल्फ फेंस और एड्रेस 5th एवेन्यू न्यूयॉर्क का था। और साथ ही साथ उसके पास से एक लेटर भी मिला जिसे वह न्यूयॉर्क से फिलाडेल्फिया भेजना चाहता था, और उस लेटर पर 1876 का एक स्टाम्प भी लगा हुआ था। इस व्यक्ति के पास से मिली सभी चीज़ों में एक बात कॉमन थी कि वह पुराने समय की थी लेकिन इसके बावजूद बिल्कुल नई हालत में थी। इस पूरे केस की छानबीन का जिम्मा यूबर्ट बी रिम को मिला। कैप्टन यूबर्ट जब बिजनेस कार्ड में दिए एड्रेस 5th एवेन्यू पर पहुंचे तो वहां के लोगों ने बताया कि रुडोल्फ फेंस नाम के किसी भी व्यक्ति को वह नहीं जानते। कैप्टन यूबर्ट ने वहां के सभी टेलीफोन डायरेक्टरी और एड्रेस बुक को चेक किया लेकिन उन्हें रुडोल्फ फेंस के नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं मिला। इस घटना के बीच जाने के कुछ दिन बाद भी किसी भी पुलिस स्टेशन में रुडोल्फ फेंस नाम के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई गई थी। कोई भी सुराग नहीं मिलने के बावजूद कैप्टन यूबर्ट ने अपनी तहकीकात को जारी रखा और 1939 की एक एड्रेस बुक में रुडोल्फ फेंस जूनियर नाम के एक व्यक्ति का एड्रेस मिला। उस एड्रेस पर पहुंचकर पता चला कि अब वहां कोई और रहता है जिन्होंने रुडोल्फ फेंस जूनियर की इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया। जैसे तैसे रुडोल्फ फेंस के बैंक अकाउंट की डिटेल्स कैप्टन को मिल ही गई। बैंक से पता चला कि रुडोल्फ के बैंक अकाउंट को बंद कर दिया गया है क्योंकि 5 साल पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी, लेकिन उनकी बीवी अभी भी जिंदा थी और फ्लोरिडा में ही एक जगह पर रहती थी। कैप्टन ने फ्लोरिडा के उस एड्रेस पर जाकर रुडोल्फ फेंच के बारे में पता किया और रुडोल्फ फेंच जूनियर की पत्नी ने कैप्टन से जो कहा उसे सुनकर ह्यूबर्ट हैरान रह गए।